बाड़मेर शहर में आवारा पशुओं का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नगर परिषद तमाशबीन बनकर सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी हुई है। आए दिन आवारा पशुओं की धमाचौकड़ी से शहरवासी घायल हो रहे हैं। शनिवार को भी प्रताप जी की प्रोल क्षेत्र में दो आवारा सांड आमने सामने हो गए। सांडों के बीच कई घंटों तक जो राजमाई से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए तो लोग भी भय के मारे दुकानों व घरों में दुबके नजर आए। बाड़मेर शहर में आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा। नगर परिषद की ओर से कई मर्तबा चलाए गए आवारा पशु धरपकड़ अभियान के बाद भी शहर के हालातों पर गौर किया जाए तो अभियान केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गया है। शहर में दर्जनों नागरिकों के काल का ग्रास बनने, सैकड़ों लोगों के चारपाई पकड़ने के बाद बेलगाम हुए आवारा पशुओं की धमाचौकड़ी शनिवार को दिखाई दी शहर के व्यस्ततम प्रताप जी की प्रोल में। दरअसल जैन साधुओं के नगर प्रवेश पश्चात साधना भवन में चल रहे सामिया कार्यक्रम के दौरान दो आवारा पशु आपस में भिड़ गए। एक घंटे तक चली धमाचौकड़ी में आवारा पशुओं ने कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया तो पूरे क्षेत्र में घंटों तक लोग भय व तनाव से गुजरे। एक बहुत बड़ी ये हमारे बाड़मेर नगर परिषद की लापरवाही है कि यहाँ पर दो सांडों की जो आपसी लड़ाई हो रही थी और बहुत यहाँ पर भयंकर लड़ाई दोनों सांडों की आपस में हो रही थी और इस वजह से कई लोगों के चोटिल होने की संभावना भी बन गई थी। यहाँ पर निरंतर जो बाड़मेर शहर में है ये आवारा पशुओं की जो बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या में कई व्यक्ति जो इन आपसी आवारा सांडों की लड़ाई की वजह से चोटिल भी हो जाते हैं और हमारे अपने जैन समाज से भी तकरीबन आज से दो साल पूर्व श्री भंवरलाल जी और एक अन्य महानुभाव की भी यहां पर मृत्यु हो चुकी है। प्रताप जी की प्रोल में मची धमाचौकड़ी के बाद लोगों में नगर परिषद के प्रति आक्रोश गहराता नजर आया। साथ ही प्रताप जी की प्रोल के अलावा अहिंसा सर्किल, स्टेशन रोड, हाई स्कूल रोड, कब्रिस्तान के पास दिन भर आवारा पशुओं की धमाचौकड़ी लगी रहती है। इन सबके बीच जिम्मेदार नगर परिषद व जिला प्रशासन सब कुछ जानकर अनजान बने बैठे हैं।